शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमार सेन के बड़ा गांव में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनमंच में कृषि, जनजाति एवं आईटी मंत्री रामलाल मारकंडे ने लोगों की समस्याओं को सुना। 11वें जनमंच में कुल 141 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई थी, जिनमें से अधिकतर का निपटारा मौके पर ही किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए रामलाल मारकंडे ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज को सुनने के लिए इस तरह के जनमंच कार्यक्रमों का हिमाचल सरकार आयोजन कर रही है। इसका लोगों को सीधा लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम जनता और सरकार के मध्य सीधा संवाद कायम करता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जन समस्याएं एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश भी दिए, ताकि सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों को समयबद्ध आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुमार सेन के बड़गांव में आयोजित जनमंच में भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इसको सफल बनाने का प्रयास भी किया। आज हिमाचल प्रदेश का केंद्र पूरे 10 जिलों के अंदर जनमंच का आयोजन किया गया। शिमला जिला के अंदर ठियोग का जनमंच जो है बड़ा गांव के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसमें बहुत कम लगभग 3000 के करीब यहां के लोग पहुंचे। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस जनमंच में अधिकतर जो डिमांड्स थे लोगों की समस्याओं को लेकर, और हर जनमंच में के अंदर में जो नई कि हर डिमांड हर जगह लोगों के जो मुख्य डिमांड्स को लेकर लोग अपनी बातों को लेकर पहुंचे, और अधिकतर डिमांड्स को लेकर हमने प्रयास किया है कि मौके पर निपटारा हो जाए। और हमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ का जो डिमांड्स, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ का डिमांड जो है लोकल डिमांड्स के ऊपर था, लोकल समस्याओं को लेकर पूछा गया। अधिकतर ग्रीवेंसीज थे, अब कुछ लोगों ने डिमांड्स उठाया है और डिमांड्स भी होते हैं, बहुत लॉल पेंडिंग पुरानी समस्याएं कई सालों से चल रही समस्याओं को लोगों ने स्कूल में पोस्टें खाली रही है उसकी डिमांड को उठाया। हर सालों के अंदर डिमांड्स ये बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ उठाए गए, और मैंने विश्वास दिलाया है कि यहाँ पर अधिकतर बातों को यहाँ सुना है, और कुछ बातें मुख्यमंत्री महोदय को हमने लिखा है कि पत्र कि जो है डिमांड्स यहाँ है डिमांड को उनको पूरा किया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये जनमंच जिस तरह से प्रभावशाली बनता जा रहा है, जिस तरह से हर गांव तक पहुंचा जा रहा है बात को लेकर, आज जिस तरह संख्या बढ़ता जा रहा है जनमंच में, अगले जनमंच में और अधिक लोग आएंगे और लोगों की बातों को जो है मौके पर निपटारा किया जा रहा है, इसका बहुत सफलता मिली है। इस जनमंच में लोगों ने स्थानीय मुद्दों से जुड़े मामले सामने रखे और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर इनका निपटारा भी किया जाएगा। इस मौके पर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। एस टुडे के लिए रामपुर से विश्वेश्वर नेगी।